हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एजाइल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गेट में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो एक्चुअली हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस को। तो ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस जो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, गेट के ओरिजिनल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आप अलग से भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक किस पोर्शन से कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किससे कम, एक एवरेज मार्क्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पिछले 10-15 सालों को हमने एनालिसिस किया और उसको डेप्थ में देखा है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि किस चीज को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमको सारी चीज कवर करना है, पर कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि किसको पहले पढ़े और ज्यादा पढ़े, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, गेट एजाइल के ऐप एक आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें उसका फायदा ये होगा कि उस ऐप पे आपको गेट के जो गेट सीएस के नोट्स हैं वो अवेलेबल है फ्री में। और दूसरा चीज कि जो स्टैंडर्ड बुक होती है जितने गेट सीएस में आते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए रोजन होता है या पीटर लिंज होता है टॉक के लिए, ऐसे जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आप गेट एजाइल का ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी वन बाय वन, एक एक चीज जो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से पहले तो सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेनली चार टॉपिक पे हम वर्क कर सिलेबस में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स बोल सकते हैं आप, कि इसके अंदर सेट थ्योरी है और रिलेशंस एंड फंक्शन है, इसके बाद आपको प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, फिर है आपका फंक्शन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हम और डिटेल में, ये तो जो ये वेबसाइट पे डला है वो है, और सिमिलरली ग्रुप है, ग्राफ थ्योरी है और कॉम्बिनेट्रिक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, जेनेटिक फंक्शन, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से जो और क्या है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यही सारी चीजें। लेकिन अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, एक्चुअली इसमें मैट्रिसेस पढ़ना होता है आपको, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस में क्या क्या चीज आती है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, फिर मैट्रिक्स से कुछ ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये सब चीज ऐसा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, गेट में ऑलमोस्ट 13-15 मार्क्स एक एवरेज हम मार्क्स बात कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आते हैं गेट में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई बार 20 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एल्गोरिथम में भी आ सकता है, ये आपको कहीं और भी जगह यूज हो सकता है, डिस्क्रीट के अलावा भी मैट्रिक्स का कई जगह एप्लीकेशन है, तो इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो खुद का अपना वेटेज रहेगा ही, लेकिन साथ में कहीं भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपको एप्टीट्यूड में आता है, प्रोबेबिलिटी का आपको टेक्निकल में भी आएगा। तो यहां पे मेनली हम लोग चार चीजें देखेंगे, एक तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, हर साल आता है। अब इसमें है कि समटाइम्स आपको डिटरमिनेंट इनवर्स से क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम्स आपको रैंक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से आ सकता है, और कभी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आ सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा बात करें कि रैंक का, तो यस रैंक का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने 0-4 लिखा है, कभी कभी रैंक और सिस्टम इक्वेशन से नहीं आता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहां भी आया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है अगर बात करें, तो आपको मेनली
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स इनवर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैट्रिक्स का रैंक निकालने आना चाहिए। अगर रैंक निकालना आपको आएगा तो डेफिनेटली आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर ये चीज क्लियर है तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक नीचे तीन लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रेयरली क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक 2018 में एक बार आया डायग्नोलाइजेशन से, एल्यू डिकम्पोजिशन अभी कुछ दिन पहले ही सिलेबस में एड हुआ है, तो बेसिक आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए ही। तो इस ये एक बार आया है 1 मार्क्स का है, और ये 2015 में। ऐसे वेक्टर स्पेस जो है बहुत ज्यादा सीएस के लिए नहीं, दूसरे ब्रांच के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, सीएस में रेयरली क्वेश्चन, एक 17 में आया, एक 2014 में आया, दो बार आया क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस करें कि अगर लिनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमसे बन जाए तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट इनवर्स ये बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, दूसरा रैंक निकालते आने चाहिए, रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और लास्ट में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसे अच्छे से पढ़ लो, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लो, गेट में प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड करना भी आ सकते हैं, आइगन वेक्टर के भी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लिनियर अलजेब्रा का हुआ। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इससे 0 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं, लेकिन आप देख सकते हो ये 2020, 2019, 2018, 2016 ये सारे में आया हुआ है, और इससे रैंक के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐसे 14 में आया हुआ है, 16, 17 ऐसे, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो ऑलमोस्ट आप हर ईयर देख रहे हो कि आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें 2 to 5 मार्क्स आता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कैलकुलस। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो देखो कैलकुलस में तीन टॉपिक, तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन। इसमें अब इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इससे आता है, कभी कभी आपको डिफरेंसिबिलिटी और कंटिन्यूटी से 2 मार्क्स का आ सकता है, पर जनरली 1 मार्क्स का आता है, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो लिमिट, अगर आपने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी सीख लिया तो डेफिनेटली आपके 1 मार्क्स तो पक्का है कि आपका सिक्योर हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसे करें, और ये आसान भी है, इसे प्रैक्टिस करना है। और कैलकुलस में मुझे नहीं लगता कोई चीज छोड़ने का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और लिमिट कंटिन्यूटी उतना ये नहीं। तो आपको अगर कम से कम इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी तो आनी चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कई बार आपको रॉल्स थ्योरम से या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, पर वो रेयरली आते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक ही पूरे कैलकुलस की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें से हमने तीन ही टॉपिक लिए और गेट में इसी से आते, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और लिमिट कंटिन्यूटी। और आप देख भी सकते हो वैसे तो यहाँ पे हमने सब जगह 0 से 3, 0 से 2, 0 से 2 लिखा है, बट ये है कि समटाइम्स लिमिट से क्वेश्चन आ गया तो इंटीग्रेशन से नहीं आया, कई बार इंटीग्रेशन से लिमिट से आया तो मैक्सिमम मिनिमम से नहीं आया, इसलिए मुझे 0 लिखना पड़ रहा है ना। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली। 11th 12th में आप कैलकुलस बहुत बड़ा साइज है, इवन इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा साइज है, दूसरे ब्रांच में कैलकुलस की साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, इसकी बात हम कर रहे थे, ये आपको टेक्निकल में भी काम आएगा और आपको एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, एप्टीट्यूड के सेक्शन में जो आते हैं उसमें भी काम आएगा, और दूसरा है कि मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें भी प्रोबेबिलिटी आता है। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको डिस्क्रीट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको एल्गोरिथम में, कहीं भी आ सकता है, टॉक में कहीं भी प्रोबेबिलिटी, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जो आगे आपको डिस्क्रीट के पोर्शन में आ जाएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं उसके, बहुत कम आते हैं, पर उसका एप्लीकेशन हर कई क्वेश्चन में होता है, गेट के कई क्वेश्चन में, कि वो टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट जो है वहां यूज होते हैं, तो इसलिए आपको वो तो आनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है ना जो गेट के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज जो आपको बेस को बना देगा, तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी प्रोबेबिलिटी की
बहुत अहम रोल है। इसमें अगर बात करें तो हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए, एक तो बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल कंसेप्ट, उसमें आपको आ सकते डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सारी चीजें। फिर है डिपेंडेंट इवेंट है जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कि सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम, ये इस तरह के सिचुएशन भी गेट में आ चुके हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हो इस एरिया से 2020, 2018, 2017 ये सारे ईयर में क्वेश्चन आए, और ये 2 to 4 marks इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एरिया से कम एक क्वेश्चन तो आती है, तो इसलिए 2 marks हम लिख रहे हैं मिनिमम। और दूसरा पोर्शन है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन जिसमें आपको रेंडम वेरिएबल से रिलेटेड है एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालना, और फिर दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीजें आ सकती है आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल, तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर उसके नहीं आए तो कंटिन्यूस से आ सकते एक्सपोनेंशियल नॉर्मल। अच्छा, समटाइम्स हम पढ़ने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं, मैंने यहां मेंशन नहीं किया इसलिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके उस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन टेक्निकली आ जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाते हैं कि समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप फ्रेम ट्रांसमिट करते जा रहे हैं और ऐसे कितने फ्रेम ट्रांसमिट करें कि सही पहुंच जाए रिसीवर तक, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम लोग गेट के लिए वो भी टॉपिक पढ़ते हैं, और मेनली जो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पोर्शन भी करना ही है, ये भी करना है, पर दोनों इंपॉर्टेंट, हम किसी को इसमें कम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पर ये है कि समटाइम्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे कई बार नहीं भी आते हैं, पर इससे आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ना जरूरी है, ये टॉपिक ही पूरा पढ़ना, प्रोबेबिलिटी तो पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए पीएनसी को जरूर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये आपको क्लियर रहेगा। अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अच्छा, टोटल जो आपको वैसे अभी गेट के सिलेबस में 13 मार्क्स लिखा हुआ, पहले 15 मार्क्स लिखा हुआ करता था, और अगर अपन कुछ 3-4 साल 5 साल की बात करें तो अब 13 मार्क्स का हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उस 13 मार्क्स में आपको 6 to 7 marks के क्वेश्चन, ये ऑन एवरेज हम बात करें तो पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आते हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत अहम रोल है और हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे मैट्रिक्स से क्वेश्चन फिक्स है, कैलकुलस से फिक्स है, प्रोबेबिलिटी से फिक्स है, सिमिलरली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से भी फिक्स है। तो इसमें इसको हम 4 parts में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आप देख सकते हो 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, मतलब हर साल इस एरिया से क्वेश्चन आया ही, चाहे सेट, अच्छा सेट का यूज कहीं भी हो सकता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हो सकता है और डिस्क्रीट में तो हो ही रहा है, एल्गोरिथम में हो सकता है, कई सारे टेक्निकल सब्जेक्ट में सेट थ्योरी का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूज टेक्निकली भी होता है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, 2 to 5 marks के क्वेश्चन, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा। दूसरा एरिया हम बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में आपको क्वेश्चन समटाइम्स आते समटाइम्स नहीं आते, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी आप रिसेंटली देखो तो 2020, 2014, 2013, 2010 और 2009 में आया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ग्राफ थ्योरी की बात करते, ये पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, कुछ सिलेबस में हमने यहां पे लिखा है, कुछ सिलेबस आपको एल्गोरिथम में भी, आप एल्गोरिथम वाले वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लाइक आपको स्पैनिंग ट्री, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड जो ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट है वो वहां पे डिस्कस हुआ है, तो आप देख सकते हो। यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्राफ थ्योरी में पाथ, सर्किट, वॉक, हैंडशेकिंग लेमा, सिंपल और मल्टी ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, डिग्री सीक्वेंस एल्गोरिथम की, इस तरह के उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद आपको ये कट एज कनेक्टिविटी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी, ठीक है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, प्लानर ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है, कलरिंग पे, क्रोमेटिक नंबर फाइंड करो, क्रोमेटिक इंडेक्स फाइंड करो, ऐसे गेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद आपको ये सब ग्राफ, इंड्यूस सब ग्राफ, स्पानिंग सब ग्राफ, कनेक्टेड कंपोनेंट, डिसकनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इसके बाद ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आइसोमॉर्फिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि दो ग्राफ, ये पर्टिकुलर दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, प्लानर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी है। तो इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो
हर साल आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन नहीं मोर देन वन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 to 6 मार्क्स लिखा है। 4 मार्क्स के भी आए हैं कई बार, 6 मार्क्स के कई बार, 2 मार्क्स के कई बार, मतलब 2 मार्क्स भी बोलना कमी है। मतलब आप देखोगे तो आपको अगर एल्गोरिथम वाला ग्राफ को मिला दो तो कम से कम 4 मार्क्स तो आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है लॉजिक। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट, रिलेशन, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस तरह से ग्राफ थ्योरी है सिमिलरली लॉजिक है। तो 3 पोर्शन आप तो अच्छे से पढ़ के जा सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, लॉजिक क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, जैसे ग्राफ थ्योरी से आते हैं, लॉजिक से भी फिक्स है कि आते हैं। हाँ, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में आपको ये सब आपको आना चाहिए कि ये सारे जो कनेक्टिव है, एंड और, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, निगेशन, ट्रूथ टेबल्स, ये सारी चीजें, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्राडिक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इसको हम बोल सकते हैं 2 to 4 मार्क्स। इस दोनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोजिशनल, बट प्रेडिकेट, इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं, प्रेडिकेट भी आपको आनी चाहिए, समटाइम्स इससे ना आ करके इससे भी आ जाता क्वेश्चन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेट्रिक्स की बात करते हैं नेक्स्ट, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन। तो एक देखो, जनरेटिंग फंक्शन अभी रिसेंटली ऐड हुआ, चाहिए 3-4 साल 5 साल पहले ऐड हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट आपको आना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं, ऑन एवरेज हमने 0 to 2 रखा है। ये समटाइम्स आपको रिकरेंस रिलेशन से आ सकते हैं, समटाइम्स जनरेटिंग से आ सकते हैं, समटाइम्स दोनों से भी आ सकते हैं, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन ये एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये पोर्शन आता है रिकरेंस रिलेशन का, तो समटाइम्स वहां भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वैसे भी मैंने कहा कि गेट से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते, पढ़िए तो भी हम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जगह यहाँ काम आता है अपने को। तो इस तरह से हम ओवरऑल अब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि टोटल 13 मार्क्स अपना लिखा हुआ रहता है, पर हमने क्या कहा 13 ये है, पर ये 20 तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये जिसमें जैसे प्रोबेबिलिटी है जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो एप्टीट्यूड हो। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल 13 टू 20 मार्क्स की बात, गेट में 13 टू 20 मार्क्स के आ सकते हैं, 13 मार्क्स आपके सिलेबस में रखा हुआ लिखा हुआ है वेबसाइट पे, बट ये 20 तक इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि टेक्निकल में भी ये यूज होता है। अच्छा, आपको तो ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप दूसरे को भी आप बता सकते हो, और आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। सो थैंक यू।